मोबाइल फोन गुम होने के बाद जिन्हें फोन वापस मिलने की आस टूट चुकी थी, ऐसे लोगों को जब पुलिस ने मोबाइल फोन लौटाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह खबर जबलपुर से है, जहां सोमवार को साइबर सेल टीम ने 23 लाख रुपए कीमत के 161 मोबाइल फोन लौटाए। यह वह मोबाइल फोन है जो कि किसी न कारण से गुम हो गए थे मोबाइल गुम होने के पश्चात लोगों ने अपनी शिकायत पूरी फॉर्मेलिटी के साथ पुलिस में जमा की। उसके बाद पुलिस और साइबर सेल की मदद से इन सभी मोबाइलों को बरामद किया गया। साथ ही जिन लोगों को यह मोबाइल मिले हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका मोबाइल गुम हुआ है और वह जब मिल गए तो किस तरह से उनके अंदर खुशी है कि जबकि उन्होंने आज ही छोड़ दी थी कि उनका गुमा हुआ मोबाइल कभी वापस लौट पाएगा। साथ ही जबलपुर पुलिस ने यह भी बताया कि जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 34 लाख रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के सरिया गवाही हुई राशियों को भी साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्तियों तक पहुँचाया जा चुका है। एक्चुअली क्या है, मैं कॉलेज जा रही थी तो रास्ते से जा रही थी, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था और दो बाइक से सवार लड़के थे, वैसे स्नैच करके मेरा फ़ोन ले गए थे। और फिर बाद में मैंने, मतलब मेरा फ़ोन दिसंबर में घुमा था, मतलब स्नैच हुआ था, तो फिर बाद में मैंने यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखवाई, कंप्लेंट वगैरह की, तो आज 5 महीने बाद मतलब मेरा फ़ोन मिल गया। अच्छा लग रहा, मिल गया तो मोबाइल घुमा था, इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। दुख का क्या मतलब, इन्फॉर्मेशन रहती है मेन बात, स्टूडेंट है तो उसमें डॉक्यूमेंट फाइल, और कॉलेज में रहते पूरा ही उसकी इन्फॉर्मेशन थी, सब कुछ था, तो मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सब चला गया। और आज, आज तो बहुत खुश है बस, नाम बताओ? खुशी चौरसिया। थैंक यू सर। मिला है तब कैसा लग रहा? मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो बस में मेरा पर्स कट गया था और उसमें मेरे स्कूल के बच्चों की फीस भी थी और मेरा आई कार्ड था, एटीएम कार्ड था और ये मोबाइल था, एक महीना पहले ही मैंने खरीदा था। और जब साइबर सेल से मेरे पास फ़ोन आया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा मोबाइल मिल गया। इस खुशी के बारे में मैंने कल से खाना नहीं बनाया घर में। अच्छा ये बताइए कि दुख कितना था जब मोबाइल मिला? अरे भैया, 8 दिन खाना नहीं खाए हमने, खाना नहीं खाया ना, मन नहीं लगता था, सबका मोबाइल देखते थे, जैसे किसी चीज़ में सूचना देना है, आपसे बात करना है, बच्चे से बात करना है, तो दूसरे टीचर से मांगना पड़ता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं अपने पूरे साइबर, अपने और अपने सभी साथियों की ओर से पूरी साइबर सेल की टीम को और पुलिस प्रशासन को, SP महोदय को दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ। मेरा नाम है श्रीमती सीमा झा और हम प्राइवेट जॉब करते हैं और आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब मोबाइल गुमा था सर 5 महीने। क्या लगा था जब गुमा था? बहुत दुख लगा था सर। प्राइवेट जॉब जो करता है वो ही जानता अपने बच्चों को कैसे वो करता है, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, तो सब चीज़ तो आजकल मोबाइल से चल रहा है, हम लोगों का ज़माना तो गया है। अब आज जब मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। सोचा था कि आपने बहुत सोचा था कि मिलेगा? नहीं सर, 5-6 महीने में तो आशा छोड़ दी थी कि अब मिलेगा करके, लेकिन मिला है तो आज बहुत खुशी। नाम? माला, श्रीमती माला कठेरिया। जबलपुर के कंट्रोल रूम के सभागार में आज करीब 161 गुम मोबाइल जो उनके धारक हैं उनको लौटाए गए हैं। जो ये 161 मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी कीमत करीब 23,28,000 रुपये है और पूर्व में भी वर्ष 2024 के करीब 151 मोबाइल जिनकी कीमत 21,17,000 रुपये लौटाए जा चुके हैं। हमारी जो साइबर की जो टीम है उसने लगातार अच्छा काम किया है और हमारे सभी ऑफिसर्स, एडिशनल SPs, सभी जो अधिकारी साइबर से और पुलिसिंग से जुड़े हैं, सभी लोगों ने करीब पिछले इस वर्ष में 34,47,000 के की जो राशि है वो साइबर फ्रॉड में जो पैसा गया था उसको कोऑर्डिनेशन करके उन्हें धार जो उनके कंप्लेनेंट्स हैं उनको लौटाया गया है। हमारी जो टीम है वो लगातार जो नेशनल साइबर पोर्टल है 1930 नंबर है उस पर उनसे कोऑर्डिनेशन करती है और लगातार यदि कोई भी साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो उसको रिपोर्ट करके पैसा लौटाने का प्रयास करती है। मेरा सभी सिटीजन से आग्रह है कि यदि कोई भी साइबर फ्रॉड का सबसे जो बड़ा सलूशन है वो ये है कि हम अवेयर रहें और दूसरा यदि हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत जो है वो साइबर सेल को सूचना दें ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी आपकी मदद कर सके। सर, जो मोबाइल है आज की जो लाइफ स्टाइल का कितना अहम हिस्सा है? देखिए, मोबाइल फ़ोन आज की लाइफ, आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें बॉडी का पार्ट बन चुका है। व्यक्ति मोबाइल फ़ोन अपने साथ 24 घंटे रखते हैं और ये बहुत सारे
हमारी डे टू डे रूटीन में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही चल रही हैं आजकल। ऐसे में उसकी इम्पोर्टेंस को देख के यदि किसी का मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो उनके बहुत सारे ऐसी डिटेल्स होती हैं, ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जो मोबाइल के साथ चली जाती हैं। मुझे लगता है आज जो जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उनके लिए आज काफ़ी खुशी का दिन होगा, और निरंतर हमारी टीम यह प्रयास करती रहेगी कि यदि कोई ऐसे किसी का भी मोबाइल खोए या फिर कोई कंप्लेन हो फ्रॉड की तो हम उसकी मदद कर पाएंगे।